सितंबर को मेरा फ़ोन खो गया था, वो फ़ोन जिससे मैं शूट कर रही हूँ। और ये फ़ोन फिर मेरे को 7 सितंबर को ही मिल गया। मेरी किस्मत काफ़ी अच्छी थी उस दिन। और स्टोरी ये थी कि ये का लास्ट डे था उस दिन, और हम लोगों को थीम मिली थी जिसमें हमें ग्रीन पहन के जाना था। तो मैं गाउन पहनी थी, एंड गाउन में अनफॉर्चुनेटली कोई जिप या कोई भी पॉकेट नहीं होती है, सो था नहीं। एंड एकदम से मेरे माइंड से स्लिप हो गया कि मेरे हाथ से फ़ोन कहाँ गया। और फिर मैंने सबसे बोला कि यार फ़ोन लगाओ, किस पे है, क्या कैसे है। तो मैं बहुत चिल में थी तब भी कि किसी ना किसी के पास तो मिल ही जाएगा, क्योंकि मेरी आदत ये थी कि कभी भी मुझ पे अगर ऐसा पॉकेट पे रखने के लिए कुछ नहीं होता था तो मैं अपने फ्रेंड्स को दे देती थी, और उन लोग के पास तो रहता ही था। वरना मैं अपने मेल फ्रेंड्स को दे देती थी, उनके पास तो पॉकेट होती है तो वो लोग डेफिनेटली रख लेते हैं, बट उनके पास भी नहीं था। देन मुझे रियलिटी हिट मिला कि अब सी तेरा फ़ोन खो गया है। बट और मैं रो रही हूँ इतना कि मम्मी डांटेंगे, पापा डांटेंगे। फिर मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया और उसको बताया कि मेरा फ़ोन खो गया है, मिल नहीं रहा है। और फिर हमने ट्रैकिंग पे भी किया, तो बात ये थी कि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। तो स्विच ऑफ होने के बाद तो यही होता है कि यू नो आपका फ़ोन गया है, अब नहीं मिल सकता वो फ़ोन। बट आसपास के तो नहीं आया कुछ भी। और फिर कहते एकदम से 5 बजे के टाइम पे जब हम फाइनल कंप्लेन कर रहे थे, मम्मी के पास एक कॉल आया मेरे नंबर से ही कि अरे आपकी लड़की का फ़ोन गिर गया है और ये हम पे है, आप इधर उधर आके ले लो। और वो फ़ोन उन्होंने ऑन किया होगा उस चीज़ के लिए, तो जितने लोग भी मेरा फ़ोन ट्रैक कर रहे थे उन सबके पास नोटिफिकेशन पहुंच गया कि नाउ दिस नंबर इज़ अवेलेबल, यू कैन कॉल। तो सबके सब कॉल लगाने पे इतना थे ना कि वो कॉल ही इतना ग्लिच वाला बिजी हो गया। और बट वो कॉल मम्मी से बात हो रही थी उस टाइम, इसलिए वो बिज़ी लग रहा था। फिर मैं जल्दी से शताब्दी एक्सप्रेस बन के मैंने वो फ़ोन लिया। वो बहुत ही यू नो मेरी कोचिंग के बहुत पास वाली रेंज में ही वो आंटी के पास फ़ोन था, एंड वी आर लिटरली लाइक ही आंटी या तो आप गिरे रहने दी, क्योंकि जिस हिसाब से मेरे फ्रेंड्स ने डेस्परेट होके ढूंढा है ना वो फ़ोन, अगर वो किसी के हाथ नहीं लगता तो डेफिनेटली वो हम लोग के हाथ लग जाता। यू नो इतने गड्ढे हो रहे थे उस दिन, बारिश भी बहुत हुई थी, इतने गड्ढे हो रहे थे, उन्होंने पूरे हाथ पैर डाल डाल के देखा है। तो उस दिन के लिए उस दिन का दिन यादगार बनाना चाह रहे थे इंजॉय करके, बट ये ऐसे बन गया। सो ये भी मतलब मेरा सितंबर का कुछ भी यू नो सितंबर मेरे लिए कुछ खास नहीं गया। मेरे कुछ ना कुछ इंसिडेंट होते रहे हैं सितंबर में, सो इट्स लाइक अ श्रापित महीना टू मी, क्योंकि उस टाइम पे इतना टेंशन चल रहा था कि फ़ोन भी खो गया यू नो। तो चाहे आपका फ़ोन मिल भी गया हो बट वो घर पे, और फिर आपके हर एक स्टेप पे आपको मोस्ट ज़्यादा सा हाईलाइट करके केयरफुल करवा देते हैं कि, और उसके बाद मैंने गलती से आई डोंट नो किसके नंबर पे रिचार्ज कर दिया। सो ठीक है, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, कभी कभी हो जाता है। देन और भी बहुत के साथ एक साल टाइम स्पेंड करते हो तो आप ना हैबिट हो जाते हैं, आपको हैबिट हो जाती है उस चीज़ की कि अरे मेरा ऐसा हो गया था कि 11 बजे मुझे जाना है, 1:30 पे हम सबकी छुट्टी होती है, तो फिर हम वो एक टाइम को ना बहुत अच्छे तरीके से कंज्यूम कर देते पूरा इन्जॉय करके। बट उस टाइम पे कुछ हो नहीं रहा था, देन होगा या फिर जो भी होगा फ्री होंगे तो अपन प्रोडक्टिव डे कैसे बनाएंगे, सुबह उठ के एक्सरसाइज करके। तो हमने 4-5 दिन किया होपफुली, बट फिर 6-7 दिन बाद हमारा ब्रेक लग गया। एंड देन ब्रेक लगने के बाद फिर हम 1-2 दिन और गए, देन हमारा ब्रेक लग गया। और अब मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं तो हमारा ब्रेक लग गया, तो वो कंटिन्यूस वे में तो हो नहीं पा रहा, विच इज़ ओके, व्हाट वी कैन डू। बट थोड़ा सा ऐसा फिट सा होना है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे ज़्यादा ऐसा मस्कुलर अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा फिट होना है, तो वो थोड़ा तो अपन घर पे भी कर लेंगे जब तक अगर हो नहीं रहा है। और जब मैं जाऊंगी सुबह, जो ये अपना स्केड्यूल कंटिन्यू करूंगी, देन आई विल शूट ऑफ कोर्स। और मैं गिर गई थी तो मेरे ना यहाँ पे बहुत ज़ोर से पेन हो रहा है, एंड एग्ज़ाम चल रहे हैं इसलिए मैं व्लॉग बना सकती हूँ थोड़ा। मैं थोड़ा रोशनी में भी दिखा देती हूँ अपने आप को। ओके, सो आप आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो ये व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो डू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही। बाय बाय यार।